ମୁଁ ପହିଲା ତାଙ୍କ ଟିକି ବୋଲି କିନା कितना जोर से लगता है।
कृष्ण को बछड़े को कैसे चाटते, जैसे कि खा जाएगी। तो जो प्रेम वहां पर जो है, जैसे वात्सल्य रस की पूरी बाढ़ ब्रज के अंदर आ गई, वो मातृ प्रेम और जो गाय का प्रेम अपने बछड़ों के लिए, सब किसके लिए है? अभी कृष्ण के लिए। अभी कोई भी गोपी यशोदा माँ के घर नहीं जाती कृष्ण का दर्शन करने, क्यों? तो घर में तो कृष्ण है, उनके बच्चे कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो इस प्रकार जो है ब्रज में होते होते एक साल बीत गया, यहाँ तो ब्रज में एक साल बीत गया, लेकिन ब्रह्मा जी एक मुहूर्त में अपने धाम को जाकर के आए। जब वो अपने लोक में गए हैं, वो बताया कि जब वो अपने लोक में पहुंचे तो वहां पहले से ही कृष्ण ब्रह्मा बन करके बैठ गए और बोला कि नकली ब्रह्मा आएगा उनको रोक देना। जब उनको रोक दिया द्वारपालों ने, तो वो ब्रह्मा बोलते हैं कि आप कौन हो? बोला अंदर ब्रह्मा ऑलरेडी बैठे हुए, तुम नकली ब्रह्मा कहां से आ गए? बोला असली ब्रह्मा मैं हूँ। बोला नहीं, असली ब्रह्मा तो अंदर है। जब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि ये तो मेरे प्रभु है। बस वो वापस भाग करके ब्रज में आए हैं। जब वो वापस यहाँ ब्रज में आए हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जहां पर मेरे बछड़ों को चुरा करके छुपाया था, वो वहीं पर वैसे के वैसे ही है, वहीं पर गुफा में एज इट इज बैठे हुए हैं। और एक रूप में कहां देखा? जहां पर कृष्ण बैठे हुए वहीं पर। और ब्रज के अंदर में भी लीला बराबर चले। ब्रह्मा जी बोलते ऐसा तो नहीं कि मैं इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, देर में इधर का उधर तो नहीं कर देता? इसको देख करके ब्रह्मा जी ने पूछा कि अब की बार मैं क्या करूंगा, इधर भी देखूंगा और उधर भी देखूंगा। एक मुंह से उधर देखते हैं, एक मुंह से इधर देखते हैं, इधर उधर पूरा चक्कर खा जाता है। फिर ब्रह्मा जी जो अपने सर्वज्ञता शक्ति का वहां उपयोग करके, वहां ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये कार्य किसने किसने किया है, ये तो कृष्ण ने ये कार्य किया है। वहां पे कृष्ण ने जो सखा जहाँ बैठ करके भोजन कर रहे थे, वहां कृष्ण ने जो सारे के सारे सखा नारायण रूप में सब चतुर्भुज होकर के वहां पे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किसको करा दिए? ब्रह्मा जी को। इसको देख करके जो ब्रह्मा जी है, उनके जो चारों के चारों सिर जो है चक्कर खा गए। वहां क्या दिखाया ब्रह्मा जी को कि ये जो ब्रह्मा जी किन से उत्पन्न हुए हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। वो नारायण है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पिताजी कौन? उनके मूल कौन? कारणोदक्षाय विष्णु। उनके मूल कौन? शंकर स्वयं देव। उनके मूल कौन? बलदेव प्रभु। उनके मूल कौन? कृष्ण। ब्रह्मा जी समझ गए ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के भी पिताजी है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। ये सोच करके ब्रह्मा जी जो है हंस भाग पे बैठ करके भागे भागे जमीन पे, और आप छोड़ करके जो हंस है ना, जो उसको छोड़ करके धड़ाम से आकर के धरती पर गिर करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर विष्णुदेव ठाकुर दो बात बताते हैं कि जो देवता होते हैं इनके अंदर दो विशेष गुण होते हैं। पहला गुण ये होता है कि पूछा इनको क्या गुण होता है, कौन बोलेगा? बोला दो गुण की, दो गुण क्या, कौन बोलेगा? हम लोग जब ध्यान तो ब्रह्मा जी जो है वो आकर के धड़ाम से धरती पे गिर करके और जो कृष्ण से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने जो सिर हैं, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? चार। अब वो एक सिर को जब चरणों में लगाते हैं तो तीन रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, जिसको देख तो ब्रह्मा बोल रहे पूर्ण रूप से तो शरणागति नहीं हो पा रही, तो खेच खाच के पूरे चारों के चारों सिर कृष्ण के चरणों में वहां पर दिए और आंसुओं से रो रो करके कृष्ण के चरणों का अभिषेक कर दिया वहां पे ब्रह्मा जी ने। और रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते वहां पर उठे हैं और भगवान की स्तुति करी है। अब यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पर एक बहुत अच्छा आया कि जब एक साल ये लीला कितने साल चली? पूरे एक साल ब्रज में किसी को पता नहीं चला ये कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव। ब्रज में किसी को भी पता नहीं चला कि ये जो बछड़े हैं ये स्वयं कृष्ण है, ये सारे ग्वाल भी कौन है? कृष्ण ही है। किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि स्वयं बलदेव प्रभु उनको भी इस बात का पता नहीं चला। बलदेव प्रभु तो साधारण नहीं, वो तो स्वयं कृष्ण है, केवल भिन्न मात्र का है, दोनों एक ही है, केवल उनका कलर अलग है, एक गौर वर्ण के है और एक कृष्ण वर्ण के, बाकी दोनों के दोनों एक ही भगवत तत्व। लेकिन फिर भी बलराम जी को भी यहाँ पर मोहित कैसे कर देते हो? जब यहाँ बलदेव प्रभु एक समय शिला पर बैठ करके उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखी, जब ये पूरा एक साल होने में 5-6 दिन बचे थे, उस समय पर बलदेव प्रभु ने एक आश्चर्य घटना देखी। आश्चर्य घटना क्या देखी कि सारे के सारे ग्वाल अपनी अपनी गैयाओं को चरा रहे थे, है ना, सब अपनी गैयाओं को चरा रहे थे, जितने भी ग्वाल है वो सब कौन है? वो सब पिता है, जैसे बजरंग बाबा आदि जैसे बड़े ग्वाल है ना, सब अपनी अपनी गैया को चरा रहे। वहां पर एक आश्चर्य घटना क्या देखी कि जो कृष्ण अपने सखाओं के साथ में बछड़ों को चराने ले जाते थे, क्या चराने ले जाते थे? छोटे छोटे बछड़ों को चराने ले जाते। वहां पे आश्चर्य घटना ये देखी जब गाय जो है वो जब दूसरा नया बच्चा हो जाता है, जब पुराने वाले बच्चे को इतना प्रेम नहीं करते, सारा दूध किसको पिलाती है? जो नया बछड़ा है उसको दूध पिलाती है।
लेकिन यहाँ पे देखा कि जैसी गायों ने देखा कि वो बछड़े, वो सारी गाय जो है भाग करके नीचे की ओर आ गई पुराने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। इसको देख करके बलदेव प्रभु आश्चर्य में पड़ गए कि ये गाय का ऐसा विपरीत स्वभाव कैसे हो गया, ये जो बछड़े इतने बड़े हो गए हैं इनको गाय क्यों दूध पिलाने के लिए भाग करके आए, ये तो ऐसा तो नहीं होता साधारण रूप में। और जितने ग्वाल है वो सोच रहे हैं कि ये जो कृष्ण सखा क्यों लेकर के आए बछड़ों को यहाँ पर, सारे गैया का दूध पी जाएंगे, गैया तो रुकी नहीं रही है, उनको इतना प्रेम आ रहा है क्योंकि वो बछड़े कौन है, कृष्ण है, इसलिए भाग करके सारी गाय आ रही है और सारे ग्वाल नाराज हो रहे हैं। लेकिन जब ग्वाल आएंगे नीचे जाएंगे डांटेंगे कि तुम बच्चों क्यों लेकर आए बछड़ों को यहाँ पर, जब आकर के डांटना तो गया दूर, वो जितने सखा थे ना कृष्ण के जो बच्चे थे ग्वालों के उनको उठा करके गोद में वो प्रेम करने लगे, क्यों, क्योंकि वो बच्चे भी कोई ग्वाल वाल बच्चे कौन है, सबके सब कृष्ण ही है, इसलिए सारे के सारे गोप जो है उन बच्चों को गोदी में लेकर प्रेम करने लगे और डांटना तो गया दूर वहां पे इतना प्रेम और प्रेम। इसको देख करके बलदेव प्रभु आश्चर्य में पड़ गए और वो बोल रहे हैं कि साधारण जो माया, किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती, फिर ये किसकी माया है। तो बलदेव प्रभु वहां कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, जब कृष्ण उन्हें बताते हैं क्यों, अब ये कृष्ण क्यों बता रहे हैं, यहाँ बताया कि कृष्ण जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप माया का पर्दा हटा रहे हैं, अपनी लीला का वापस से प्रदर्शन करेंगे जगत में। सबसे पहले बलदेव प्रभु को बता रहे हैं, जब उन्होंने जब कृष्ण ने चाहा, जब जाकर बलदेव प्रभु को पता चला, वहां कृष्ण ने बताया कि सारे के सखा मैं हूँ, ये कैसे ब्रह्मा जी ले गए थे, जिसको देख करके बलदेव प्रभु भी अचंभित हो गए कि कृष्ण की कैसी माया है कि यहाँ पर मैं भी मोहित हो गया। कृष्ण की ऐसी माया, सब मोहित हो जाते हैं, इंद्र मोहित है, सब के सब वरुण देव मोहित, जो वरुण लोक में ले जाके वरुण देव मोहित, पावन देव मोहित, धीर समीर पे सबको सब मोहित, कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, फिर इंद्र भी मोहित हो गए, कहाँ पर, जहाँ पर गोवर्धन उठाया था वहां इंद्र मोहित हो गए थे, और यहाँ पर कौन मोहित हो गए हैं, स्वयं दाऊ जी या दाऊ भैया भी मोहित हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है, जब दाऊ भैया को जब कृष्ण ने सारी बात बताई तो वहां पर दाऊ भैया भी 4-5 दिन के लिए गोचारण के लिए नहीं गए, क्यों, क्योंकि उनकी असली सखा तो है ही, सब कौन है, सब कृष्ण है। तो बलदेव जो अपने असली सखाओं के साथ में खेलते हैं, अपने असली सखाओं के साथ में जाते हैं, उनको अपने सखाओं का बड़ा विरह हो रहा है और वो गाय चराने नहीं जा रहे। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, तो क्या कृष्ण को विरह नहीं हो रहा क्या अपने सखाओं का, असली सखाओं का, बोला कृष्ण तो एक रूप में उनके साथ ही बैठे हैं, कृष्ण एक रूप में कहाँ है, उनके ही साथ में है। और वहां पर जो कृष्ण ने जब ये सब जब सारे के सारे जब लीला जब ब्रह्मा जी को दिखाई, ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने गिर करके प्रभु के चरणों में क्षमा मांगी और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति करी है, जिसमें कुछ कर्म कुछ ज्ञान कुछ भक्ति इस प्रकार से श्लोकों का वहां पर वर्णन है। आप गुरुदेव को बताइए ओम ज्ञान के विराम तस्य ध्यानान्य चला गया चक्षुर निमिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बलहरि कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जो शिव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे ब्रह्मा जी जब उन्होंने देखा ये कौन है, कहते मेरे प्रभु के प्रभु के प्रभु के ये प्रभु, तो उन्होंने हंस वाहन से उन्होंने कूद पड़े, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम किया, अपना आंखों का आंसुओं से ठाकुर जी की चरण को उन्होंने अभिषेक किया और बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और बारंबार खड़े हो रहे हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं बारंबार खड़े होते हैं और अपना आंखों को मल रहे हैं, मलते मलते तब ठाकुर जी को उन्होंने स्तुति करते हैं, बोले नव मिट्यते अप्रभुषे तणिताम्बराय गुंजावतंस परिपीचल सद्मुखाय कवलवेत्र वन्यस्रजे विशाल वेणु मृदुपदे पशुपांगजाय
यहाँ कहते नौ मिट्टे थे, इसका मतलब ठाकुर जी आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों प्रणाम करते हैं? ब्रह्मा जी प्रणाम क्यों करते हैं? किसको चरण में हम प्रणाम करते हैं? जो हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना मतलब होता है उनके चरण में अपने आप को दे देना है। इसलिए उन्होंने क्यों दे दिया, वो समझ गए कृष्ण कौन है, कहते जितने, इसलिए ब्रह्मा जी की और भी एक स्तुति भागवत में तो स्तुति है, और एक ब्रह्म संहिता में वहां पर भी ब्रह्मा जी ने कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। वहां पर भी जो पहला श्लोक है, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वो समझ गए हैं ये कौन कह रहे हैं, बोले कृष्ण, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वो दुनिया को जो सृष्टि करने वाले कृष्ण कौन है, ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, हैं? जिनका स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप और अनादि के जो आदि, अनादि कौन है, कहते श्री कारण गोसाई, बोले उनका जो आदि कौन, श्री बलदेव प्रभु, उनका भी जो आदि श्री कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। हाँ, इसलिए कृष्ण को देखने पर लगता है क्या लड्डू गोपाल होकर चुपचाप बैठे हैं ठाकुर जी, देखने पर बड़े छोटे लगते हैं, बड़े लेकिन वो बड़े फोटे हैं, और देखने के लिए बड़े चुपचाप घर में बैठे, सब घर में गोपाल है ना, सब घर देखने के लिए छोटे लगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते सबका कारण का ये कारण। इसलिए कहते हैं प्रभु आपके चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले भगवान की चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, इसलिए शास्त्र में बताए, बोले सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातृस्थान विवेदने। इसका मतलब है एक बार अगर ठाकुर जी के चरण में एक बार कोई प्रणाम कर लिया, कहते मैया के पेट में कभी प्रवेश नहीं करेगा, कभी मैया के स्तन नहीं पान करेगा। स्तन कब पान करेगा? जब माँ की पेट में आएगा तब तक स्तन पान करेगा। मतलब है कृष्णा चरण में एक बार प्रणाम करने से फिर मातृ गर्भ में उसको आना नहीं है। इसलिए कहते कृष्णा प्रणाम नपुनर्भवाय, कृष्ण के चरण में प्रणाम करने पर कहते जगत में पुनर्वार जन्म नहीं होता है। इसलिए जब महाराज उनको दूतों को भी यही बात कहते हैं, बोले किसको किसको पकड़ करके ले आओगे, बोले कृष्णाय नमति जब सिर एकदा, जिसने कभी भी कृष्ण चरण में एक बार भी सर नहीं झुकाया उनको पकड़ पकड़ कर ले आना। मतलब कृष्ण चरण में प्रणाम करने का कितना महिमा। हम बोलेंगे भाई हम तो रोज ही प्रणाम कर रहे हैं, दिन में कितना बार प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम मतलब क्या है, हैं? कहते नवमी, कहते नमन करते, न मतलब होता है अहंकार, हैं? कहते प्रणाम मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में कृष्ण के चरण में शरणागत है, हैं? इसलिए नमन मतलब होता है सारे अहंकार को छोड़ करके, सारे अभिमान को छोड़ करके उनकी चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत। जब हम ऐसे हो जाएंगे तभी इसको प्रणाम कहलाएगा। इसलिए क्या प्रवक्त है, प्रभु आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? बोले नौ मिट्टे थे, आप मेरे उपास्य देव हो, मेरे आप आराध्य देव हो, मैं समझ गया हूँ आप कौन हो। मेरे बाद में आएगा भगवान बोलेंगे भैया तेरे पिता मैं थोड़ी हूँ, तेरे पिता तो गर्भदशाई विष्णु, जिनकी नाभि कमल से तुमने जन्म हुए वो तो तुम्हारे पिता है। ब्रह्मा जी कहते मेरे जो पिता है ना उनका जो मूल अंश है उनका भी मूल का मूल आप हो, आप तो मूल नारायण है, कृष्ण ही मूल नारायण है। प्रणव मिटते अभ्रबकुसे, पर भगवान का शरीर का रंग कैसे है, कहते अभ्रबकुसे काला मेघ जैसे है, भगवान का रंग काला मेघ जैसे भगवान का रंग। कहते ये काला मेघ को साथ में क्यों उदाहरण देते हैं, बोले कारण इसके दो कारण बताए। पहला कारण बताए, एक चिड़िया होता है चातर है, एक चकोरा चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं तो किसी तालाब का पानी वो पीता नहीं, वो कब पानी पिएगा, जब आकाश में छा जाए है, जब छा जाए ना। इसलिए हर समय वो चिड़िया कहता है प्यासाम प्यासाम, मैं प्यास हूँ, पानी 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 है, हर समय चिल्लाते रहता है। जब वो स्वाधीन नक्षत्र का जब बरसात हो तब भी वो पानी को पिएगा, नहीं तो पानी किसी नदी तालाब का पानी नहीं पीता है।
इसलिए जैसे उदाहरण देते, जब चातक क्या देखता है, जो आकाश में मेघ छा जाए जब देखता है उसका छाती ठंडा हो जाता है। अभी बारिश ही होने वाली, अभी बारिश ही होगा तो मैं पानी पीऊंगा तभी मेरा छाती ठंडा ठंडक पड़ेगा। इसलिए कहते उसी तरह कहते इन्होंने अपराध किया है कृष्ण के चरण में, उनके बछड़े और उन्होंने सखाओं को चुराया, इसलिए कहते मैं भी आपके चरण में अपराध किया, मैं भी चातक जैसे मेरे अपराध रूपी अपराध से मेरे हृदय भी जल रहा है। लेकिन आपका शरीर का रंग कैसे है? आपका रंग तो श्याम रंग है आपकी, मतलब श्याम रंग मतलब जैसे चातक का जीवन को आप ठंडक देते हो उसी तरह आप भी मेरे हृदय में जो अपराध से जो हृदय जल रहा है आपका, मेरे हृदय को भी आप ठंडा प्रदान करो। कति ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है देखना, जो बारिश होती है ना वो ये नहीं देखता है गड्ढा ऊंचा नहीं देखता है, पवित्र अपवित्र नहीं देखता है। बारिश जब होता है ना सब जगह में बराबर होता है, ऐसे नहीं ना, नहीं यहाँ तो बढ़िया जगह यहाँ पर बारिश होगी, वहां पर तो टाटी बड़ा होगा गंदगी वहां पर होगा नहीं, ऐसे होता है। लेकिन जब बारिश हो सब जगह में ये बराबर बारिश होता है। तो उसी तरह है प्रभु, आप तो श्याम रंग है इसलिए श्याम रंग है आप सबको ऊपर में बराबर आप कृपा करते। मैं अपराध किया हूं लेकिन प्रभु आप तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, आप तो करुणा के समुद्र, आप तो दीनों का आप बने हो, इसलिए प्रभु जी अब मेरे ऊपर भी आप कृपा करो। कहते ये भी एक अर्थ होता है, इसलिए कहते अभ्र बभु से। तीसरा अर्थ कहते हैं ये मेघ कब होता है, जब पानी इकट्ठे हो जाता है ना, बादल जब इकट्ठे हो जाते हैं तभी ये पानी हाँ बरसाती है। कहते हैं पानी का एक नाम होता है कृपा, पानी कृपा। अब पानी पियो बड़े प्यास मारे छाती फट रहा है, अब पानी पियो हृदय ठंडा हो जाता है ना, पानी पीने पर हृदय ठंडा हो जाती है। कहते जो पानी है कहते इसको कहते कृपा, लेकिन ये जो कृपा घनीभूत अवस्था जब धारण करता है मेघ जब बन जाती है इसका मतलब आप कौन हो, आप कृपा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। पहले सुना ना पुतना जैसे राक्षसी जो मारने के लिए आई थी ठाकुर के लिए जहर लेकर के आई थी है, बच्चों की खून पीने वाली अपवित्र, लेकिन ठाकुर उसको भी गोलोक वृंदावन ने दे दिया। इसका मतलब आप बड़े दयालु आप बड़े कृपालु हो ठाकुर जी, इसलिए आप क्या कर मेरे ऊपर में भी आप ठाकुर जी आप मेरे ऊपर में कृपा करो। इसलिए कहते नव मिटते अभ्र बकुसे तड़िताम्बराय, मतलब भगवान जो वस्त्र धारण करते हैं कैसे कौन सा रंग है, बोलो कौन सा रंग, ठाकुर जी कौन सा रंग के कपड़ा धारण करते हैं, पीला रंग की ठाकुर जी कपड़ा धारण करते हैं। कहते ये पीला रंग क्यों धारण करते हैं, कारण क्या, बोले कारण है राधा रानी की अंग कांति कैसे पीला रंग, कहते ना तप्त कांचन गौरांगी, इसलिए मानव कृष्ण ये दिखाते हैं मेरी राधा रानी के प्रति मेरे विशेष प्रेम है। और राधा रानी कौन सा रंग की साड़ी पहनती है, नील वसना गौरी रूपे गुण धन्या नील, बोले क्यों, बोले कृष्ण का रंग नील है ना, कृष्ण का रंग नील है। जब राधा रानी जब नील रंग की ये लहंगा पहनती है चुंदरी का कौन सा रंग है, गुलाबी, चुंदरी का कौन सा रंग, कहते गुलाबी रंग, बोले गुलाबी रंग क्यों धारण ऊपर का जो चुंदरी गुलाब रंग के क्यों, कहते जो गुलाब रंग है ये अनुराग का रंग, हम होली खेलते हैं ना गुलाल खेलते हैं ना एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकते हैं, ये गुलाल फेंकना मतलब क्या है, कृष्ण राधा रानी, राधा रानी कृष्ण के ऊपर गुलाल, ये जो रंग ये अनुराग रंग है, हैं? मानो कृष्ण अपना अनुराग से राधा रानी को भिगाती है, राधा रानी अपना अनुराग रंग से श्री कृष्ण को भी भिगा देती है। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी कृष्ण का रंग कैसे है, काले जैसे काले, इसलिए पीतांबर धारण करने से क्या होता है कृष्ण बड़े सुंदर हैं जैसे चमकती हैं। कहते उसी तरह जो जो काला मेघ में जो बिजली चमकती है बिजली का रंग कैसे है पीला रंग, जैसे चमकने पर मेघ की शोभा वर्धन करता है। कहते हे श्याम सुंदर प्रभु आप भी श्याम रंग के, लेकिन जब पीला पीतांबर पहनते ना आप बड़े सुंदर चमकते हैं। इसलिए कहते तड़ी तंबर आय मतलब गुंजाव तंस, कहते भगवान की जो कान में जो भूषण है जो कुंडल धारण करते हैं, बोले किस चीज की, बोले गुंजा माला, हम लोग देखे गुंजा पहले
इतना छोटा छोटा होता है, उसको ऊपर में काला रंग होता है, इतना छोटा छोटा जंगल में, किसी जंगल में जाओगे ना आसानी से मिल जाएगी, उसके लिए कोई पैसा देकर खरीदी करने का जरूरत नहीं, जंगल में अपने आप ये फल होता है, इतना छोटा 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 होता है। इसलिए कहते आप ये गुंजाब तंस, इसलिए अब कर्णभूषण गुंजा फल की ठाकुर जी शिक्षा क्या देते हैं, ये शिक्षा देते हैं अगर कोई सोचे अरे भगवान को खुश करने के लिए कोई बहुत कीमती चीज दो तब तो ठाकुर जी खुश होंगे ना, बोले ठाकुर जी कहते नहीं, मेरे को खुश करने के लिए केवल मेरे को क्या चाहिए, कल प्रेम ही चाहिए तुम्हारा, और किसी करना प्रेम के भूखे ठाकुर जी और किसी चीज के भूखे नहीं, इसलिए कि दुर्जय धन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सदा। ठाकुर जी कहते मैं केवल प्रेम की भूखा हूँ, मैं वस्तु का भूखा मैं नहीं, मैं केवल प्रेम की भूखा हूँ। और जो गुंजा है श्री महाप्रभु रघुनाथ दास ने स्वयं को दो चीज दिया था, एक गुंजा फल माला और एक शालग्राम शिला। महाप्रभु बोले गिरिराज शिला, बोले देखो रघुनाथ कि जो गिरिराज शिला है ये कौन, ये कृष्ण है, और जो गुंजा माला है ये राधा है, ये राधा जी का स्वरूप और ये कृष्ण स्वरूप है। इसलिए बोले गुंजाब तंस परिपिच्छ, भगवान सर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं, मोर, मोर मुकुट धारण करते हैं, पहले तो आपने बहुत सुना है कृष्ण ये मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं, बोलो एक एक कर बोलो, मैं पहले चार पांच कारण बताया था, बोलो कम से कम एक बोलो क्यों कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, एक उसमें मोर में क्या लिखा हुआ, राधा जी की नाम लिखा हुआ था, तुम्हें दूसरा कारण बताओ, तुम्हें कारण बताओ और क्या है, बोलो इसमें क्या लिखा, उसमें जो मौर है ये ब्रह्मचारी, ये कभी मौर मरुण कभी मिलते नहीं, जो संतान जन्म होता है ना वो कभी मिलते नहीं, ये ब्रह्मचारी, इसलिए ठाकुर जी ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे मंदिर ब्रह्मचारी लोग ना, इसलिए ब्रह्मचारियों को कृष्ण बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए हैं, इसलिए निष्काम ब्रह्मचारी मतलब निष्काम, उसके हृदय में कोई भगवान को कब प्राप्त करेंगे, जब काम क्रोध लोभ मोह से दूर हो जाएंगे तब तो प्राप्त करेंगे ना, इसलिए मयूर एकदम निष्काम कोई काम गंध नहीं, इसलिए ठाकुर जी तभी सर्व धारण करते, दूसरा कारण तीसरा कारण कौन बोले, जैसे जब मोर नाचता है ना, हाँ, तो मोर नाचता है तो अपने पंख को झाड़ता है, हाँ, तो कृष्ण ने उनकी प्रसन्नता के लिए कि मेरे पास और कुछ है नहीं, तो मोर का वो गिफ्ट स्वीकार करके अपने सिर पर धारण किया था, हाँ, इसलिए तीसरा कारण बताए आप लोग याद नहीं रखते, जब सबसे पहले मिली थी तो कृष्ण भगवान को मोर पंख दिया था, इसलिए इसलिए आप गोबर जब बरसाना परिक्रमा करोगे ना वहां पर मोर कुटी है, कभी श्री राधा रानी कृष्ण मोर बने थे और राधा रानी कभी मौरणी बनी थी, राधा रानी कभी मौरणी बनी थी, इसलिए मोर पंख से कृष्ण से क्या देते हैं, मैं राधा जी को बड़े प्रेम करता हूँ, क्यों राधा रानी ने मोर मयूरणी कभी कभी बनी थी, इसलिए तीसरा कारण। चौथा कारण है कहते एक समय ये मोर कब नृत्य करता है, लेकिन आकाश में जब काला मेघ छा जाए हैं, जब रिमझिम बारिश ही हो गड़गड़ शब्द होता है तभी देखना मयूर नृत्य करता है, तभी पंख खोल करके नृत्य करता है। कहते एक समय कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, कृष्ण का रंग कैसे है, काला रंग है, श्याम रंग मेघ जैसे, और उनके शरीर में पीताम्बर कैसे जैसे बिजली चमक रही थी, और कृष्ण जो बंसुरी बजा रहे थे कैसे जैसे आकाश में गड़गड़ शब्द होता है, आवाज करता है ना, इसको मयूर मयूर देख करके तो बड़ा खुश हो गया, बोले वाह ठाकुर जी बड़े सुंदर बंसुरी बजा रहे हैं, और मयूर थिरक थिरक करके पंख खोल कर नाचना शुरू कर दिया। देखना जब कोई व्यक्ति नाचता है ना 10-20 रुपया ऐसे घुमा घुमा कर देते हैं, अभी मयूर ने देखा कृष्ण इतने सुंदर बंसुरी बजाए जिस वजह से मैंने नृत्य किया, अभी कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए लेकिन मेरे पास में तो मयूर पंख सिवाय कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया पंख को उसने झाड़ दिया, जब झाड़ दिया वहां से पंख गिरा, ये जो पंख है ये प्रेम की प्रतीक है, प्रेम की प्रतीक, अभी कृष्ण ने उठाया बोले ये प्रेम से मेरे को दिया है, कहाँ लगाओ सबसे श्रेष्ठ स्थान पर मैं इसको मैं धारण करता हूँ, इसलिए कृष्ण सर पर ये मोर पंख को कृष्ण धारण करते हैं, ये सब कारण है, इसलिए मोर पंख जब धारण करते हैं, मोर पंख देखा आप लोगों ने, कौन देखे हो, सब देखे सब देखे आप देखे ना,
मोर पंख में सात रंग होता है, कितना रंग होता है? सात रंग होता है ना देखो, हाँ मोर पंख जगन्नाथ जी सर, इसमें सात रंग होता है। इसलिए जब कृष्ण का जो आप लोग देखे इंद्रधनुष, क्या बोलते हो आप हिंदी में? इंद्रधनुष बोलते हो, इंद्रधनुष देखे हो आकाश में है, रामधनु रामधनु इंद्रधनु। अब देखना ये इंद्रधनु कब पड़ता है, जब इधर बारिश हो, रिमझिम बारिश होता है, जब सूरज का किरण पड़नी चाहिए, जब बारिश होता है देखना उस ठीक उल्टा दिशा में ये इंद्रधनुष पड़ता है। क्या उसी तरह कृष्ण का जो केश का रंग कैसे काले, कृष्ण का केश का रंग एकदम काले घुंघराली केश कृष्ण की। इसलिए कृष्ण मरु पंकज का धारण करते हैं, अपना सर के ऊपर धारण करते हैं, जब धारण करते हैं उसमें सात रंग है, उसमें सात रंग है। और ठीक जो इंद्रधनुष जहाँ मेघ होता है ठीक उसको उल्टा दिशा में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ जी को कहते हैं, इसलिए जैसे इंद्रधनुष जैसे शोभायमान होता है बारिश के समय, उसी तरह कृष्ण का जो मौर मुकुट है वो भी बड़े सुंदर शोभायमान होता है। इसलिए परिफी चलसत मुखाय बोले बन्य सृजे विशाल वेणु, बन्य सृजे कृष्ण अपना घर में तो मैया कृष्ण का श्रृंगार करती हैं, लेकिन जब कृष्ण गोचारण करने जाते हैं कभी राधा रानी सखियां और कभी कभी सखा लोग भी जंगल का बड़े सुंदर सुंदर पत्तों से फूलों से वहां पर गौरी हैं रंग से कृष्ण को सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं, सुंदर फूल माला पहनाते हैं, फूल का उनका मुकुट बड़े सुंदर पहनाते हैं। कभी आप वृंदावन में कभी गए हो? वृंदावन में गर्मी का समय में गए? गर्मी बांके बिहार की देखना, वहां पर राधा वाला बांके बिहार का फूल का श्रृंगार, कभी भाग्य बहुत जाकर देखना उनकी जो फूल की कली में उनकी दोपटा उनकी मुकुट उनकी कपड़ा लहंगा ये केवल फूलों की कली से है, जो बेली बेली फूल की कली से बनती है। केवल वो ठाकुर एक ठाकुर को सजाने के लिए 15-16 व्यक्ति लगते हैं 7-8 घंटा, जब केवल कली कलियों में बनाते हैं 8-7-8 घंटा 15-16 व्यक्ति को लग जाते हैं केवल बांके बिहार केवल श्रृंगार को बनाने के लिए, इतने सुंदर कली में बनाते हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इस तरह वहां पर भी सखा कभी सखियां राधा रानी गोपियां कृष्ण को बन्न सजे वृंदावन के सुंदर सुंदर फले पत्तों से फूलों से सुंदर सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं, यद्यपि वैकुंठ में लक्ष्मी भी श्रृंगार करती है किसको? ठाकुर जी को। कभी कभी द्वारका में भी जब कृष्ण रहते हैं वहां पर भी महिषियां कभी कभी कृष्ण को बड़े रत्न हीरे जवाहरात से श्रृंगार करते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं सब जगह में मेरे जितने श्रृंगार है ना, लेकिन सबसे प्यारा श्रृंगार कब है? जब मैं वृंदावन में रहता हूँ, जब मेरी राधा रानी मेरी गोपियां हैं, जब मेरी सखाएं मेरे को सुंदर फल फूल से मेरे को श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार सबसे मेरा प्यारा श्रृंगार है। कहते विशाल वेणु भगवान क्या करते हैं, सुंदर सुंदर ठाकुर जी बंसुरी बजाते हैं, कृष्ण बंसुरी बजाते हैं कृष्ण, इसलिए बंसुरी जब बजाते हैं इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है ना, और अगले जीवन में मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी, आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी? बंसुरी बन करके आऊंगी। हैं देखो ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या किया जो कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, कभी अधर पर कभी कमर पर है, कभी उसकी हाथों में कभी बंसुरी को छोड़ते नहीं, पता नहीं पूर्व जन्म में इसने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म करके आया। चलो हम पौर्णमासी को प्रश्न करते हैं उसने क्या पुण्य की है जो बंसुरी बन करके आए, हम भी ऐसे पुण्य करेंगे और अगले जीवन में हम भी बंसुरी बन करके आएंगे, कृष्ण हमें हर समय अपना पास में रखेंगे, कभी हमें कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। इसलिए विशाल वेणु कहते बन्य सृजे विशाल वेणु, उसके बाद में कबल वेत्र, ठाकुर जी के हाथ में क्या है? दही भात, कभी दूध भात कभी खाए हो? कभी खाए नहीं ना, कौन कौन खाए दही भात दूध भात कभी खाए खाए कभी? ये कहते हमारे उधर भी खाते कभी दही भात कभी दूध भात खाते। इसलिए कृष्ण यहाँ पर कहते हैं जैसे कृष्ण जब कहाँ पर होते हैं? वैकुंठ में होते हैं प्रभु जी, जब द्वारका में होते हैं उनको रानियां छापान भोग छत्री से व्यंजन बनाकर उनको खिलाती हैं। कृष्ण कहते हैं देखो वो तो ठीक है लेकिन सबसे प्यारा भोजन हमारे क्या है?
ये दही भात जो दूध भात है ना मेरा सबसे प्यारा भोजन है ये मेरी। और कृष्ण कहते हैं जो मेरा जो ये गोपाल रूप, जब कृष्ण वृंदावन में गोचार में कहते गोपाल रूप में कृष्ण कहते हैं ये मेरी सबसे प्रिय भोजन जब मैं जब वृंदावन में रहता हूँ। और वृंदावन का जो रूप है ये सर्वश्रेष्ठ मेरा रूप है। इसलिए कवल वित्र विषाण वेणु मृदुपदे पशुपांग जाए। इसलिए मृदुपदे मतलब ठाकुर जी हर अवतार में ठाकुर जी पादुका धारण किया है। राम अवतार में, नारायण अवतार में, जितने अवतार देखो ठाकुर जी सब अवतार में पादुका उन्होंने धारण किया पादुका। लेकिन केवल कृष्ण अवतार में ठाकुर जी पादुका नहीं धारण करते। नंगे पैर में ठाकुर जी सर्वत्र वृंदावन में नंगे पैर में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं। अर्जुन की चरण स्पर्श पाकर ये पृथ्वी अपनी आप को धन्य मानती है। कहते उनकी कहते जो घास है कहते घास नहीं मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर के उनके रोंगट खड़े हो गए। बोले झरना नहीं कहते मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर के उनको नेत्र से आंसुओं की झरी बह रही है। और कृष्ण जब चलते हैं पृथ्वी के ऊपर में कृष्ण चलते हैं उनका चरण का छाप पड़ता है। और कृष्ण का चरण में कितना चिन्ह है बोलो कितना चिन्ह है 19 चिन्ह है ठाकुर के चरण में 19 चिन्ह। और हर चिन्ह का एक अलग अलग महत्व है। उनके चरण में जो जव है उसको अगर कोई ध्यान करेगा ना घर में कभी पैसा की लक्ष्मी की धन की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में हर समय लक्ष्मी भरपूर रहेगी। जो स्वस्ति चिन्ह उसको अगर कोई स्मरण करेगा वो मंगलवाची जीवन में तुम्हारी मंगल ही मंगल कभी अमंगल तुम्हारे जीवन में आएगी नहीं। अगर चक्र को धारण करोगे चक्र से क्या करते हैं अगर तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु हो अगर उनका चक्र को स्मरण कर लो सारे शत्रु को नष्ट कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे काम क्रोध लोभ मोह की सबसे बड़े हमारे शत्रु है गदा। अगर गदा को स्मरण करोगे ना जैसे मार करके चकनाचूर कर देते हैं ऐसे गदा को स्मरण करोगे अगर तुम्हारे कोई शत्रु को विनाश कर देंगे हैं। उनका अंदर जो झंडा है अगर उसको याद करोगे ना जगत में तुम्हारी जय जयकार होगी जगत में तुम्हारी खूब जय जयकार महाप्रहार। इसलिए उसका अलग अलग चिन्ह उसका कमल अगर उसका स्मरण करोगे ना जैसे कमल फूल से सुंदर खुशबू निकलती है तुम्हारे जीवन में भी बड़े सुंदर खुशबू निकलती है बड़े तुम्हारे जीवन भी मंगलमय होगा। इसलिए अंकुश अंकुश स्मरण करने से अंकुश इतना छोटा होता है लेकिन मतवाला हाथी को भी कंट्रोल कर देता है। हमारा मन भी एक मतवाला हाथी है अगर अंकुश को स्मरण करोगे ये मन जो इधर उधर भटकती है मन तुम्हारी भटकेगी बड़ी महिमा है। इसलिए कृष्ण जब छत्री छत्री है अम्ब्रेला छत्री इसलिए उसको जब स्मरण करोगे जैसे छत्री का धूप और बरसात से हम धारण करते हैं ना इसलिए अगर उसको धारण करोगे तो हर समय तुम्हारी ठाकुर जी का हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा शंख तुम्हारी हाथ ठाकुर जी का हाथ तुम्हारे सर पर रहेगा कभी तुम्हारे ऊपर में कोई विपत्ति नहीं आएगी। शंख है अगर शंख का स्मरण करोगे शंख कब बजाते हैं विजय ध्वनि जब कोई किसका विजय होता है ना शंख बजाते हैं अगर शंख का स्मरण करोगे तो क्या होगा सब जगह में तुम्हारे विजय विजय। इसलिए वहां पर अलग अलग सब हमारे गोस्वामी लोगों ने वर्णना किया शास्त्र में। इसलिए जब ये ठाकुर जी जब चलते हैं क्या पड़ता है पृथ्वी के ऊपर चरण का छाप पड़ता है। ये पृथ्वी ठाकुर जी की चरण चिन्हों को धारण करते हुए पृथ्वी अपना जीवन को धन्य मानती है। और मेरे कितने भाग्य है ठाकुर जी नंगे पैर में मेरे ऊपर ठाकुर जी चलते हैं। इसलिए मृदुपदे पशुपांग जाय है पशुपांग जाय मतलब क्या कहते कृष्ण किसके बेटे हुए हैं पशु मतलब पशु मतलब जो गैया को जो पालन करने वाले नंद बाबा उनसे ही कृष्ण प्रकट हुए हैं। मतलब कृष्ण कौन ये नंद नंदन है जसोदा नंदन श्री कृष्ण है। बोले श्री नंद नंदन की बोले श्री जसोदा नंदन की। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ठाकुर जी के चरणों को कहते वसुदेव नंदन से भी नंदन नंदन की विशेष महत्व है। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो दूसरे श्लोक है वहां पर तो बहुत बहुत सारे श्लोक हम मेन मेन श्लोक हम सुनेंगे। इसलिए जो दूसरा श्लोक है कहते ज्ञानी प्रयास मुदुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता स्मृतिगतां तनुवांग मनो जे प्रायस अजीत जितो अपि स्त्रैलोक्या। तो ये श्लोक में कहते हैं भगवान का एक नाम अजीत
भगवान का एक नाम अजित, अजित मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकते, बस जिसको कोई पा ही नहीं सकते हैं। भगवान को जितना पाना बड़ा कठिन है, फिर यहाँ प्रश्न होता है फिर तो भगवान मिलेंगे नहीं, क्यों उनका नाम अजीत है, जिसको कोई जितना बड़ा कठिन पाना बड़ा कठिन, पर ठाकुर तो मिलेंगे नहीं फिर। हाँ, तब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई ठाकुर जी को पाना चाहते हो आप कैसे ठाकुर जी को आप पा सकते हो, उसका उपाय क्या है। बोले ज्ञानी प्रयास मुदुपास्य, कहते ज्ञान का जो प्रयास उसको त्याग दे दो हैं, ज्ञान का प्रयास को त्याग दे दो। कहते यहाँ पर दो तरह का ज्ञान है, एक तो तत्व ज्ञान और एक ब्रह्म ज्ञान। कहते जो ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या होता है, जो जीव जो अपना सत्ता को जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन कर देना चाहते, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, ये आत्मा परमात्मा में लीन कर दो। नहीं, भक्ति की ये संपूर्ण विरोधी है, हैं? भक्ति से कहती ये ज्ञान को संपूर्ण त्याग दो। बोले दूसरा ज्ञान तत्व ज्ञान, बोले उसको भी त्याग दो। बोले भैया उसको कैसे त्याग दे देंगे, शास्त्र कहता है बोले तमेव विद्वत्वा अति मृत मेति, कहते उसको कैसे प्राप्त कर सकते, बोले तमेव विद्युत, जब तक उसको नहीं जानते हो ज्ञान के द्वारा ये मृत्यु को तुम पार नहीं कर सकते हो, है जब उनको पहचानोगे जानोगे तभी तो भव सागर से पार होगे ना, नहीं तो संसार से पार कैसे होगे। आप कहते हो ज्ञान की कोई प्रयास की कोई जरूरत नहीं, फिर करेंगे क्या, कहते करेंगे बोले सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, हैं कहते सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, बोले साधुओं की मुखारविंद से जो तुम्हारी कथा रूपी गंगा नदी जो प्रवाहित हो रही है, कहते ये कथा रूपी गंगा में स्नान करो। कहते वो कथा कैसे है, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक उन्होंने मुंह नहीं खोले, लेकिन एक बार उन्होंने जो मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह बंद नहीं किया। परीक्षित महाराज को दिन रात हम जैसे कथा सुनते ऐसे कथा भागवत नहीं हुई, वो पूरा 24 घंटा खाना पीना सोना सब पायखाना के सब बंद बंद करके सबके सब वहां बैठ करके दिन रात 7 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने भगवान की कथा सुनी है। इसलिए जब कथा सुनाना शुरू किया ना 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किया। बोले क्यों कथा निकली, बोले भगवान की जो कथा में इतने आनंद, उसमें कथा में इतने रस है, संतों को आनंद क्या देता है, भगवान की कथा है, उनका आनंद देने वाले भगवान की कथा। बोले सन्मुख रीतम, बोले कथा किससे सुननी चाहिए, बोले सबसे सुननी नहीं चाहिए, साधु से सुननी चाहिए, जो सचमुच से जो भगवत प्राप्ति की जिनके हृदय में इच्छा, और जो कोई जिसके हृदय में कोई संसार की कोई कामना वासना नहीं उनकी मुंह से कथा सुननी चाहिए। सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम, बोले कथा किसकी सुननी चाहिए, बोले दो व्यक्ति की। बोले भवदीय मतलब होता है एक तो ठाकुर जी की कथा सुननी चाहिए और उनकी संतों की उनकी भक्तों की दोनों की कथा सुननी चाहिए। भागवत में दोनों की कथा है, एक तो भगवान की कथा मत्स्य कुरुमा बराह नृसिंह कृष्ण राम सब कथा, उसको साथ साथ उनके सारे भक्तों का कथा, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद की कथा, अंबरीश महाराज की कथा, भरत महाराज गोपियों की कथा, भक्तों को छोड़कर भगवान नहीं और भगवान को छोड़कर भक्त नहीं, जहाँ भक्त कथा वहां जरूर भगवान आएंगे, और जहां भगवान की कथा ना वो भक्त के बगैर भगवान होते ही नहीं। इसलिए कहते भवदीय मतलब भक्त और भगवान की कथाओं को नित्य निरंतर कथाओं को श्रवण करते रहो। भवदीय वार्ताम बोले स्थाने स्थिताम, कहते और एक अर्थ कहते स्थाने स्थिताम, मतलब है अगर किसी व्यक्ति को बोले ना बोले भैया भगवान का भजन करना शुरू करो, बोले अरे घर का सारे काम मिटा कर तो भजन करेंगे, अरे बेटियों की शादी नहीं हुआ, बेटा का शादी नहीं हुआ, बेटा का अभी नौकरी नहीं लगी, घर मकान बनाए नहीं, ये जब सारे काम खत्म हो जाएगा ना, जब सारे काम खत्म हो जाएगा तो भजन करेंगे, हैं? जब सारे काम को हम मिटा देंगे तब भक्ति का तब भगवान का भजन करेंगे। कहते भैया अभी तो किसका काम जगत में मिटा है, तो खुद मिट जाओगे, काम नहीं मिटेगा तो भाई हैं? खुद मिट जाओगे, खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन काम कभी अभी तक किसका काम खत्म हुआ है, देखना 100 साल के हो गए तो वो 200 साल का प्राणी के बनाकर बैठ रहे, सब दुनिया को देखो ये करना सो करना ये करना ये करना ये करना ये करना, वो पता नहीं 100 साल हो गया 200 साल का प्लानिंग दिमाग में, 200 साल की प्लानिंग चल रहा है। इसलिए
भैया जगत में अभी तो किसने काम को मिटा नहीं सके, तू मिट जाओगे काम नहीं, कहते ना सारे काम को निपटा करके तू निपट जाओगे तो काम नहीं निपटेगा कभी। अभी तक किसका काम निपटा है दुनिया में? कोई निपटा पाया है? कोई निपट नहीं पाया है। इसलिए यहाँ पर कहते स्थाने स्थिता, मतलब है ठाकुर जी तुमको जिस अवस्था में रखे तभी, ये बहुत अच्छी बात कह रहे। हम कहते ना बढ़िया स्थिति आएगा तो भजन करेंगे, अभी हमारी बढ़िया स्थिति नहीं, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा फिर भजन। ब्रह्मा जी अभी तो किसका जगत में प्रॉब्लम खत्म हुई है? किसी के नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी जिस अवस्था में तुम्हें रखा है अभी, तुम ये समझो जीवन में सबसे बढ़िया अवस्था यही है, जीवन में सबसे बढ़िया स्थिति यही जीवन में, ये सच को सोच करके। आगे अगर बढ़िया होगा तो कैसे बढ़िया होगा? जब भजन करोगे, बगैर भजन के जीवन में किसका बढ़िया स्थिति कभी आई नहीं। कितना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे जब उसको भजन करोगे, भगवान कहते ना मेरे तरफ में एक कदम तो तू बढ़ा करके देख, तू देखना फिर मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तू तो एक कदम बढ़ा नहीं रहे, ठाकुर बढ़ाएंगे क्यों? इसलिए ब्रह्मा कहते स्थाने स्थिता, मतलब कहते जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधारमण 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 कहो। इसलिए जिस अवस्था में है उसी, ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ है बढ़िया अर्थ कह रहे हैं अभी, ये विश्वनाथ को जिसको कह रहे हैं, पहला जो बताया मैंने बताया कभी विश्वनाथ मिटर बता रहे, कहते स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब ज्यादा इधर उधर घुमा मत करो, मना करते हैं जहां पर तुम्हारी शुद्ध भक्त रह करके तुम्हारी कथा जहां पर बोलते हैं, जहां तुम्हारी कथा बोल रहे हैं वहीं पर रहो, क्योंकि मन कब लगेगा ठाकुर की चरण में? जब उनकी कथा सुनोगे। जब तक उनकी कथा नहीं सुनोगे, बोले घर में बैठी बैठी करके मन लगाते हैं, इतना आसानी बात नहीं, घर में बैठी बैठी कर कोई बेटा बेटी नाती पोती उनकी बात सुनोगे, दुनिया की बात है, दुनिया की बात करोगे। देखो यहाँ पर आए तब तो कथा सुन रहे हो, घर में रहते तो भगवान की याद आता, वही नाती पोती दुनियादारी बेटी बहू सास ननद लड़ाई झगड़ा अशांति अरे सारा दुनिया की बात संसार में करते, लेकिन यहाँ आए तब तो कथा सुन रहे हो है, इसलिए इतना आसानी नहीं। कहते स्थाने स्थिता, ज्यादा इधर उधर मत घुमा करो, ज्यादा घूमोगे तो भव्य बुरे हो जाओगे, ज्यादा घूमते रहोगे। इसलिए कहते हैं स्थाने मतलब जहाँ तुम्हारी भक्त लोग रह करके तुम्हारी कथा बोलते हैं, तुम वहीं पर रह करो, वहीं पर रह कर क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुति गतांग तनुभांग मनोवी, अपना कानों में भगवान की कथा सुनो। कैसे? तन बांग मन, मतलब काय मन और वाक्य से भगवान की कथा सुनो। बोले कथा तो कान से सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताए, काय मतलब शरीर है, तन बांग मतलब वाणी और तीसरा मन, ये तीनों से कथा सुनेंगे। बोले तीनों से कथा तो कान से सुनते हैं, हमको तीन बात बता दिया। बोले शरीर में कथा कैसे सुनेंगे? तो कहते हैं अगर यहाँ शरीर नहीं आता तुम थोड़ी कथा सुनते, शरीर अगर तुम्हारे घर में रहता तो कथा थोड़ी सुनते नहीं। इसलिए क्या करो, कहते कथा में आओ, आकर क्या करनी चाहिए, ऐसा बैठ गए नहीं, यहाँ पर कहते हैं आकर के पहले कथावाचक को प्रणाम करो, कथा सुनने वालों को प्रणाम करो, जहाँ कथा हो रही है वो स्थान को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, आकर चुप का बैठ के नहीं, सबसे पहले क्या करो प्रणाम करो, हैं? प्रणाम मतलब अपना शरीर को झुकाना, सर को झुकाना, सर अभिमान को तन, बोले बांग बोले वाणी से कथा सुनो। बोले वाणी से कैसे? बोले जो कथा सुनते हैं इसको कल अपना तक बता रखा करो, उसको घर में भी जाकर के सुनाओ, अपना बच्चों को सुनाओ, पतियों को सुनाओ, परिवार को सुनाओ, आज हमने ये कथा सुनी है, तुम लोग भी थोड़ा हरिनाम करो, भजन करो, भगवान की भक्ति करो, उनको भी थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनाया करो, घर में भी जाकर के उनको भी कथा सुनाया करो, जिनको सुनाओगे उनको भी कल्याण और अपना भी कल्याण, पहला तो अपना कल्याण होगा भगवान की कथा सुनाओगे, फिर दूसरा का भी कल्याण होगा। तन बा मनोभी, कथा कैसे? बोले मन से कथा सुनो, मन तो सबसे पहला है, अगर यहाँ पर बैठे हुए लेकिन मन अगर और कहीं पर है फिर तो कथा सुन पाओगे थोड़ी, कथा नहीं सुन सकते हो है, कथा मन सबसे बड़ा चीज है, इसलिए कहते ना भाई
कोई भी काम करते मन से काम कर, कहते ना मन लगाकर काम कर, कहते उसी तरह कथा की सुना, मन लगाकर की कथा सुननी चाहिए। मन नहीं लग गया तो शरीर यहाँ पर और मन और कहीं, मन राम कहीं घूम रहा है। जब कथा हो जाएगी क्या सुने, बोले मैं तो यहाँ था ही तो यहाँ तो बैठा हुआ था, बोले नहीं मन और कहीं काम है, मन आगरी और कहीं था, इसलिए मन से कथा सुना। इसका मतलब मन सिर्फ ना मतलब मन को द्वारा कथा को आदर कर, तनुमाम मनोवी। इसलिए जे प्राय स अजित, मतलब प्राय करके भगवान को पाना बड़ा कठिन है प्राय करके, लेकिन अगर किसी ने अपना जीवन को ऐसे अगर लगा दे भक्तों की संतों की आनुगत्य में रहते हुए, उनके भक्त भगवान की सारे अहंकार को छोड़कर अभिमान को छोड़कर के अगर ऐसे कोई कथा को सुने काय मन वाक्य से, क्या होगा, बोले प्रभु एक दिन जरूर आपको वो प्राप्त कर लेगा, एक दिन उसकी प्रेम में एक दिन ठाकुर जी बंध जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसका मतलब क्या, मेन जो चीज भक्तों से कथा सुन, मेन जितना सारे इसका जो निचोड़ है कथा को द्वारा ही मन तुम्हारी भगवान में लगेगी, क्योंकि जिसकी कथा सुनोगे जैसे रुक्मिणी, रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखे, लेकिन नारद जाकर के रुक्मिणी को कृष्ण कथा सुनाते थे और उनकी कथा सुनते 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 उसके हृदय में बैठ गए, ठाकुर जी उसके हृदय में बैठ गए। रुक्मिणी पत्र लिखती है, बोले प्रभु आप मेरे को नहीं देखा, मैं भी आपको नहीं देखा, लेकिन आपके चरण में मेरे प्रेम कैसे हुई, बोले नारद मेरे गुरुदेव है, इनसे मैंने कथा सुनते 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 आप मेरे हृदय में आप बैठ गए। पार्वती का गुरु भी नारद जी है, नारद जी का गुरु है, बोले नारद जी कथा सुनते शंकर जी कथा सुनते सुनते मेरे चित्त में शंकर जी बैठे हैं। इसलिए क्या मूल क्या चीज है, भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर भगवान की कथा में अगर मन लग गया तो समझ क्या हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कल जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं ना, इतने बढ़िया।